हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली, क्या ग्लोबल कंडीशन बोल रही है, उन सब के बीच में हम देखेंगे। वीकली एनालिसिस में हमने डिटेल में सारी कंडीशन देख रखी है, फर्दर हम इसको माइक्रो लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, यहाँ पर रेगुलर बेसिस अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। कुछ भी अपडेट रहता है तो मैं उसको इजी वे से अपडेट आपके साथ कर देता हूँ। अब सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की अगर बात कर लेते हैं, फर्स्ट एज पर डिक्लेरेशन बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको और इस वार्ड को मैनेज करते हुए प्राइस पैटर्न को ध्यान में रख के एंट्री एग्जिट का प्लान करना होगा। अब यहाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं 29 की स्टार्टिंग होती है, जो कल हमने रेंज देखा था कि गोल्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है, कॉमेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, साथ में डॉलर इंडेक्स का क्या रेंज। अगर आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा, डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा। यह हमारे लिए जो रेंज बनती हुई देखने को मिल रही है, ब्रेकडाउन होने के जो चांस बनेंगे वो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उनका कंडीशन बनाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से अगर आप 3 से 4 दिनों की रेंज देख रहे हैं, 25 से लेकर अभी तक की, ये लगभग सिमिलर टाइप का कैंडल बना रहा है, ना हायर साइड जा रहा है ना लोअर साइड जा रहा है। अब इसको जाने के लिए जो जॉब ओपनिंग का डेटा है और साथ में फेड का जो मीटिंग का कमेंट आएगा, वो दोनों यहाँ से एक इनपुट प्रोवाइड करेंगे जो इसको एक डायरेक्शन दे सकता है। अदरवाइज तब तक के लिए इसमें मार्केट में अप एंड डाउन सिमिलर पॉइंट से करता रहेगा। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देख रहे हो तो जो गोल्ड है उसमें ज़्यादा चेंजेस होते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि जब भी एक डायरेक्शन में आपको चेंज मिलता हुआ देखने को मिलता है, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट का चेंजओवर भी है, वो भी कंडीशन यहाँ बनती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ओवरऑल जो कमोडिटी सेगमेंट है एज कम्पेयर टू कॉमेक्स और डॉलर इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब हम ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, 2400 के ऊपर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ऐसा सच होने वाली नहीं है। अगर इसको कंटिन्यू सस्टेन करता है और कुछ ऐसा इनपुट मिलता है तो मार्केट के लिए फिर 2450 और फिर इससे ऊपर निकलने के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर 2400 के लेवल को दोबारा ब्रेक करता है तो थोड़ा अच्छी सिचुएशन नहीं होने वाली है, ये आपके लिए अलर्ट लेवल है। इंडियन गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो इंडियन गोल्ड एक अच्छे सपोर्ट लेवल से रिएक्ट कर रहा है। अब इस लेवल के जो हमने वीकली एनालिसिस में देखा था, धीरे धीरे करके रेंज को, ये जो गैप बनाया है गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। उसके लिए इसको ग्लोबल कंडीशन यहाँ भी लगने वाली, तो जब भी यहाँ जाएगा छोटी छोटी कैंडल्स हो सकता बनाए, उसके बाद में चेंजेज आपको देखने को मिले, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। डिटेल वीडियो के लिए आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्या प्राइस पैटर्न है, किस तरह से मोमेंटम हम डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर गोल्ड कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो गोल्ड कॉमेक्स को आपने देखा लगभग बेटर वे से परफॉर्म करता हुआ, 2400 का लेवल मिनी ने बना रखा है, लेकिन गोल्ड का फ्यूचर जो है ये लगभग 2400 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल जो इसने रेंज का फॉर्मेशन किया है इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। बहुत ज़्यादा मोमेंटम 2 दिन नहीं होने वाले हैं, आपको इतना देखना होगा कि जो आप ट्रेड करें उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस ना हो। आपका लॉस नहीं होगा तो डेफिनेटली साइकोलॉजी भी बेटर रहती है और ओवरऑल कंडीशन भी अच्छी बनने की कोशिश होती है। फ्रेंड, यहाँ अगर आप लेवल को देखने की कोशिश करते हैं तो ये कंडीशन आप देखिए, 27.8, 27.7 और हायर के साइड में 28.4, 28.2, ये सारे लेवल्स के बीच में पिछले 3 से 4 दिनों से ट्रेडिंग कंटिन्यू हो रही है। 25 में एंट्री हुआ था तभी से नैरो जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। जनरली अगर इस तरह का परफॉर्मेंस रहता है तो इसका मतलब रहता है मार्केट किसी का वेट कर रहा है, और वो क्या हो सकता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि जो US मार्केट है या फिर ग्लोबल मार्केट है, कुछ उसको इनपुट चाहिए। अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंडिकेशन की अगर बात कर लेते हैं जो वर्ल्ड के लिए है, कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट टेंशन है, वो बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो डॉलर के ऊपर प्रेशर बन रहा है, डॉलर के ऊपर प्रेशर बन रहा है तो उसका कंडीशन आपको यहाँ पे एक सेफ साइड के लिए लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान करते हैं, क्योंकि ये कई कंडीशन में वर्क करता है। एक आपको ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, साथ में इसकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इन सभी के कारण यहाँ पे लोग अच्छे इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर ट्रेंड की बात कर लेते हैं तो 28 और 27.8 ये 2 पॉइंट इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये मार्क करके रखना है। फिलहाल के लिए आज की ट्रेडिंग इसी में प्लान होती हुई देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा मोमेंटम के लिए अभी आपको 2 दिनों वेट करना पड़ेगा। मिनी के लिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मिनी का फॉर्मेशन भी एक रेज बोर्ड होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसा हमने डिटेल में देखा था। ओवरऑल कंडीशन अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो जब से इस रेंज में एंट्री किया है 83 से लेके 80,800 के आसपास,
ये सारे लेवल्स के बीच में एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर निकलने की कोशिश भी करता है तो सबसे पहले इसको 82 का हर्डल फेस करना पड़ेगा। 82,000 यहाँ से सबसे पहला टारगेट आपको यहाँ का 82,000 रहेगा अगर इसमें कुछ भी मेजर चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं। और फिलहाल के लिए अगर क्लोजिंग बेसिस पे 82 के ऊपर एक कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट करता है तभी आपको कुछ नए फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज आज की रेंज 81 से लेके 82 के बीच में इसी में ट्रेड करने वाले प्लस माइनस 400 पॉइंट हायर साइड लोअर साइड का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर इसी बाद में 4 आवर की कंडीशन को हम देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर में भी एंट्री होने के बाद रेंज का फॉर्मेशन है। रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं होपफुली आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है रेंज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पढ़ी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन आप देखेंगे रेंज में आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर 1 से 2 दिन इसमें रेंज का और फॉर्मेशन करता है तो आपके लिए फिर दोबारा से 2 से 3 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर इसके बाद माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो की कंडीशन भी ऑलमोस्ट मिनी की तरह ही बनती हुई देखने को मिल रही है। माइक्रो ने जब से एंट्री किया है और मिनी ने जब से एंट्री किया सिमिलर टाइप का पैटर्न बना रहा है। इसकी नैरो जोन सिमिलर टाइप की बनी हुई है 81,000 आप यहाँ पे 200-300 लेवल ले सकते हैं और हाई साइड में 82,000 इसी बीच में बहुत ही नैरो जोन है। ये बहुत बेटर होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े फॉर्मेशन के लिए। जब भी हमने इस टाइप की रेंज देखी है कभी भी तो उसका फॉर्मेशन बहुत अच्छे से वर्क करता हुआ देखने को मिला है। तो ये सारी कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर इसके बाद में हम 4 आवर सेटअप में देखते हैं तो यहाँ भी एक नैरो जोन का फॉर्मेशन बनता हुआ। नीचे सपोर्ट लेवल 80,400 नो डाउट अच्छा सपोर्ट है, इसको हमने वीकली में भी देखा है और आज भी ये कंडीशन अच्छी वर्क करने वाली है अगर कुछ प्रेशर बनता है। फिलहाल के लिए अगर डॉलर इंडेक्स पे जैसा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कहीं भी युद्ध की टेंशन अगर बनती है तो डॉलर के ऊपर सबसे पहले प्रेशर होगा। और प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि सप्लाई चेन में इंटरप्शन आएगा और अदर कंडीशन भी बनने की कोशिश करेगी। तो ये यहाँ पे आपके लिए आज का लेवल 81,000 ऊपर 82,000 प्लस माइनस 400 पॉइंट का रेंज बनने की कोशिश करेगा। इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अगर इसके बाद में डेली में भी देखते हैं, डेली में ऑलरेडी हमने वीडियो कंडीशन देख रखी है तो जो ये रुक रुक के चल रहा है फ्रेंड्स ये एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। छोटी छोटी कैंडल्स इसको बैलेंस प्रोवाइड कर रही हैं और फिलहाल के लिए ये सारे कंडीशन इसको देखने के लिए अच्छा है। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, थोड़ा पुलबैक अगर मार्केट करता भी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए बचेंगे। फिलहाल के लिए अगर इसको डाउन साइड ब्रेक करता है तो अच्छे मोमेंटम यहाँ बनेंगे। ओवरऑल 10 से 15,000 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, वो ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ पे ये लगभग 80,000 के आसपास ही बेस बना रहा है। बेस जितना ज़बरदस्त जितने दिनों का बनेगा उतना अच्छा फॉर्मेशन कराने की कोशिश करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगी। थैंक यू।